हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मॉर्निंग ब्लॉग। आई होप यू आर वेल। दोस्तों, मॉर्निंग में हम जा रहे हैं वर्षु को छोड़ने सुबह सुबह। अभी 6:30 होने वाला है और अभी मैं इसकी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा आपको। यूनिवर्सिटी कहेंगे क्या? यूनिवर्सिटी कहेंगे कि कोचिंग सेंटर कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? कोचिंग सेंटर है इसका, एक्चुअली यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। तो एलन जो है, तो यहाँ का कोटा का एलन दिखाएंगे आपको। तो हम फिलहाल हम जा रहे हैं एलन की सिर्फ एक बिल्डिंग, क्योंकि वहीं पे जाऊंगा मैं, उससे आगे बढ़ूंगा नहीं, फिर वापस घर। तो इस वजह से यहाँ पे जो छोटे छोटे, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे होते हैं, क्या कहते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती है सब्जियों की और परचून की, ये सब चीज़ें ना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मॉल है, सब मॉल से ही बाय करते हैं, मतलब सब्जी वगैरह और जो भी इनको मतलब रोज की ज़रूरत होती है चीज़ों की, वो सब मॉल से परचेस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मॉल चलता है। सो गाइस, फिलहाल मैं वर्षु को छोड़ आया हूँ। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि उसकी दोस्त मिल गई थी, तो मैं वो पहले ही चले गई मतलब दोस्त के साथ, तो मैं बिल्डिंग तक नहीं पहुँच पाया, बट लेने भी मैं ही जाऊँगा तो उस टाइम दिखाऊँगा। तो फिलहाल मैं घर को जाता हूँ। तो गाइस, यहाँ से लिफ्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा फ्लोर बस एक स्टेप ऊपर है, तो लिफ्ट में क्या जाना। तो हम ओके, तो गाइस फिलहाल आंटी जी ने मुझे चाय दी है, तो चाय पीते हैं और फिर मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम है यार। अभी तो 6:30 ही हो रखा है, हम तो वहाँ 8 बजे तक उठते थे घर में। वहाँ आंटी जी का वहाँ पे है रूम और मेरा यहाँ पे, तो देखो इनका मंदिर है यहाँ पे, आपका मंदिर है। सो गाइस, ये आ गया ब्रेकफास्ट मेरा, पराठे एंड सब्जी। तो दोस्तों, फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट करके आ चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने बाल कटाने, यहाँ पे नॉर्मल दुकान नहीं है, बाल कटाने भी मॉल जाना पड़ता है, तो मैं मॉल जा रहा हूँ। सीने मॉल नहीं जा रहा हूँ, सिटी मॉल जा रहा हूँ, क्योंकि सीने मॉल में बार्बर शॉप नहीं है। ये पता नहीं क्या चीज़ है यार, ये तो वर्षा ही बताएगी क्या चीज़ है ये। जो भी है ये वर्षु को पता होगा, कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई डोंट नो। क्योंकि यहाँ पे ही ये देखो, ये जो है वर्षु की मतलब कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे वो करती है एलन, है ना। अब यहाँ से मुझे जाना है इस रास्ते से, आगे जाके है सिटी मॉल। सो गाइस, ये रहा सिटी मॉल पूरा, और ये 10 बजे ही ओपन होता है, तो अभी 15 मिनट है, तो मुझे 15 मिनट यहीं पे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ जाते हैं। मैं बाल हट कटाने आया हूँ, एक्चुअली मैं अपने बाल और दाढ़ी वगैरह सेव वगैरह करवाने आया हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ पे कोई छोटी दुकानें तो है नहीं, मतलब जो होती हैं नॉर्मली, सब मॉल के अंदर है। मॉल 10 बजे खुलता है, तो सब एक साथ ही खुलता है। अभी मैंने गार्ड भाई से पूछा, तो उनने कहा कि सब एक साथ खुलता है, 10 बजे तक इंतज़ार करो, सब ओपन हो गए एक साथ। सो आई एम वेटिंग। वाओ, तो गाइस यहाँ पे भूत बंगला भी है एक। तो गाइस, मैंने अंडरवेयर भी लेना था, वो तो ले लिया मैंने। ये है वर्षु का एलन, देखो वहाँ पे लिखा भी है एलन, मुझे शायद यहाँ से दिख रहा है साफ क्लियर। तो ये रहा एलन, देखो लिखा हुआ। और यहाँ पे ना बहुत सारे कबूतर होते हैं, देखो। अब मुझे एक बार इसके बीच से भागना है इन सबके। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी महंगी सिटी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मतलब इससे ही महंगी सिटीज़ होती हैं, लेकिन ये जो है हमारे हल्द्वानी से तो काफ़ी महंगी है ना। तो भाई फिलहाल मुझे कल को दिल्ली जाना है, दिल्ली से मेरठ जाना है, तो अपना तो भाई मेरठ में ही होगा काम। अब जो दाढ़ी बनाना वगैरह है, ये सेविंग वगैरह करवानी है मुझे, वो तो सब मेरठ में होगा, अपने लेवल का वही है भाई। बात सही है भैया, यहाँ पे इतना महंगा भैया क्यों करें हम, क्यों
खाली फिर बाल, दो चार बाल काटेंगे नहीं, वो ले लेंगे वैसे इतने सारे। अपना मस्त करके घर जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, अंडरवेयर ले लिया मैंने, कल को काटेंगे, कल को नहीं परसों काटेंगे दाढ़ी वाड़ी। अब मैं जाता हूँ वर्षा को लेने, और वर्षा को स्कूल की तरफ से एक लिखा ये छाता एलन का, देखो तो ये धूप होती है ना यहाँ पे, बहुत गर्मी हो रही थी यहाँ पे, वैसे भी मैंने जैसे बताया आपको। तो अब मैं जा रहा हूँ, तो ये छाता लेके जाएंगे क्योंकि बाहर धूप होती बहुत। गाइस यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ फिलहाल, एलन यहाँ पे वर्षु बढ़ते भी आएगी फिलहाल। ये देखो कबूतर कितने सारे हैं यहाँ पे, ये सारे उड़ के, देखो ओ भाई, फिर यहीं पे आ जाएंगे घूम फिर के। सो गाइस ये है पूरा, और यहाँ से आएगी वर्षु अभी, तब तक वेट करते हैं। देखो वर्षु आ गई है मोटू, गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, अभी आंटी जी खाना बना रही है, हम खाएंगे खाना, इसने मुंह पीछे छुपा रहा, मुंह पीछे छुपा रही है भाई, और फिर उसके बाद इसका कल टेस्ट है, तो कहीं घूमने तो जाने वाले हैं नहीं शायद, अगर चले गए तो पता लग जाएगा। अब टेस्ट के बाद देखते क्या होता है। तो गाइस आज हमने पनीर मंगा रखा है जोमेटो से, ये ना अभी खोलेंगे इसे। इस लड़की ने मंगवाया है, इस लड़की ने, इसकी वजह से आया है, और शरीर देखो इसका फैलते जा रहा है, लेकिन खाना नहीं छोड़ूंगी। पनीर मंगवाया है, चल तो फिर आजा खाना खाते हैं। तो गाइस अब ये जो वर्षा जो है इसकी अनबॉक्सिंग कर रही है, मतलब इतनी जल्दी अनबॉक्सिंग करना कोई मुझसे सीखी। हाँ ये देखो, बहुत प्यार से करती हूँ, और बस इसको फेंक दे, इसको खेल मत, वीडियो लंबी हो रही है यहाँ। फास्ट कर देना, ये गिर जाएगा अब नीचे देखना। नहीं, तमीज से, ये गिर जाएगा। पहले ये खोल लिया, चल खोल दिया, तब तूने खोल ही दिया, ये अब जरा करके भी दिखा उसको थोड़ा सा। और सर यहाँ का हमारा डिनर टाइम, तो पहले रेगुलर करती थी, एक दिन छूट जाती है ना, फिर फाइनली सोने का टाइम हो चुका है, तो आप सबको गुड नाइट। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस वर्षु के लिए नीचे से स्पेशल राज है, ऊपर से नीचे स्पेशल राज कचौड़ी है, ये देखो। राज कचौड़ी क्या होता है दादा? ये राज कचौड़ी होती है, ये मैंने देख रखी है ना, वहाँ पे बनाते हैं होटल्स में, तो आप टेस्ट करके बताओ, और चलो तो हम इंजॉय करते हैं, खाते हैं।